नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। कैप्टन सतीश बोले, वायुसेना तैयार, दुश्मन को देंगे मुंहतोड़ जवाब। कश्मीर के उड़ी सेक्टर में सैन्य शिविर में हुए फियादीन हमले के बाद पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंधों के बीच उत्तर प्रदेश के बरेली में स्थित वायुसेना स्टेशन के प्रमुख ग्रुप कैप्टन बी सतीश ने दावा किया है कि आपात स्थिति में वायुसेना दुश्मनों के हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। त्रिशूल एयरफोर्स स्टेशन के चीफ ऑपरेशन ऑफिसर सतीश ने कहा कि स्टेशन पर मौजूद सुखोई विमान सरहद की रक्षा को हर वक्त तैयार है। ये पलक झपकते ही हवा में उड़ान भरने में सक्षम है और बम, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, टैंक भेदी मिसाइल को सटीक टारगेट पर दाग सकता है। याहू पर बड़ा साइबर हमला, 50 करोड़ अकाउंट्स की चोरी। अमेरिकी इंटरनेट कंपनी याहू की सुरक्षा में सेंध लगाकर हैकर्स ने करीब 50 करोड़ अकाउंट से जानकारियां चोरी कर ली है। अब तक के सबसे बड़े साइबर अपराध की आज कंपनी ने पुष्टि कर दी। कंपनी के मुताबिक 2014 में इस घटना को अंजाम दिया गया। इन तमाम अकाउंट से चोरी की गई जानकारी में यूजर का नाम, ईमेल, फोन नंबर, जन्म तिथि और हैश पासवर्ड शामिल है। हालांकि कंपनी के मुताबिक अनप्रोटेक्टेड पासवर्ड्स, पेमेंट कार्ड डाटा और बैंक अकाउंट से जुड़ी जानकारियां नहीं चोरी हुई हैं। कुछ मूल्यवान यूजर डाटा भी चोरी से बच गए हैं। भारत से डरा पाकिस्तान, रात में उड़ाए F-16 विमान। पाकिस्तान कितना डरा हुआ है और उसे लग रहा है कि भारत जंग की तैयारी में जुटा है, इसीलिए गुरुवार की रात अचानक उसने अपने लड़ाकू F-16 विमान आसमान में उड़ा दिए। अचानक आसमान में लड़ाकू विमान उड़ते देख कुछ देर के लिए राजधानी में अफरा तफरी मच गई। यहां के लोगों को लगा कि सचमुच भारत पाकिस्तान युद्ध छिड़ गया है। दरअसल गुरुवार को भारतीय सीमा पर बहुत तेज हलचल शुरू हो गई, जिससे पाकिस्तानी फौज डर गई। बहुत सोच विचार कर उसने अचानक रात 10:20 पर अपने लड़ाकू विमान F-16 हवा में उड़ाए। F-16 विमानों ने आसमान में 3-4 चक्कर लगाए। पाकिस्तान की एयरफोर्स की इस हरकत ने इस्लामाबाद के बाशिंदों में दहशत फैला दी।